शुरू हुआ डी कंपनी के बुरे दिनों का काउंटडाउन। दाऊद को दिवालिया करने के प्लान पर लगी मुहर। डी कंपनी के काले कारोबार पर अब लगेगा ताला। दाऊद की दुबई में टूटेगी कमर। अंडरवर्ल्ड डॉन अब पानी मांगेगा। यूएई में दाऊद पर पीएम मोदी की फाइनल डीप। सबसे बड़े शिकंजे में दाऊद। मोदी सरकार ने दुबई में मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ने का इंतजाम कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। इसके मुताबिक यूएई दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में भारत की मदद करेगा। इस डील के तहत दुबई में दाऊद के काले कारोबार पर भी ताला लगेगा। मतलब साफ है, अब दुबई में डी कंपनी का बुरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। साथ ही 40 और मोस्ट वांटेड आतंकियों को पकड़वाने में यूएई की सरकार भारत की मदद करेगी। किसी की परवाह किए बिना साफ साफ शब्दों में संकेत दे दिए गए। दुबई की सरजमीं से दिया गया प्रधानमंत्री मोदी का यह इशारा यूं ही बेसबब नहीं था। इसके पीछे था एक समझौता, एक चेतावनी। समझने वाले समझ जाएंगे, अकलमंद को इशारा काफी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में दाऊद का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि दुबई में दाऊद के बुरे दिनों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए। अब इस खबर पर मुहर भी लग गई है। इंडिया टीवी के पास इस बात की पक्की खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के वक्त दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के मुताबिक यूएई भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को पकड़ने में भारत की मदद करेगा। यानी अब दाऊद पर यूएई में शिकंजा कसा जाएगा। दाऊद और उसके गैंग को यूएई में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। यूएई में दाऊद के कारोबार पर ताला लगेगा। दुबई में दाऊद की संपत्तियां सील की जाएंगी। अब दुबई से डी कंपनी का बोरिया बिस्तर गोल होगा। पीएम मोदी के यूएई दौरे के दौरान जो डील साइन हुई है, उसके मुताबिक यूएई के अलग अलग हिस्सों में दाऊद की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। भारतीय एजेंसियों ने बाकायदा इसकी लिस्ट भी यूएई की सरकार को सौंप दी है और इस तरह से टेरर फंडिंग के नेक्सस को तोड़ा जाएगा। यूएई की सरकार इसमें भारत की पूरी मदद करेगी। भारत ने यूएई को दाऊद की संपत्तियों, उसके ठिकानों और उसके यूएई में काले कारोबार की पूरी लिस्ट सौंपी है। यूएई ने भी मोदी को भरोसा दिलाया कि वो भारत की दी गई जानकारी पर कार्रवाई करेगा। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है, लेकिन उसने अपने काले कारनामों की कमाई को दुबई में इन्वेस्ट कर रखा है। दुबई में उसका हजारों करोड़ का कारोबार है। दाऊद इब्राहिम का काला कारोबार 8 देशों में फैला है। अनुमान है कि दाऊद की इन देशों में 1,00,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। डी कंपनी के ज्यादातर धंधों का हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई के कई आलिशान मॉल इमारतों में दाऊद ने पैसा लगा रखा है। दाऊद की करीब 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अकेले दुबई में ही है। यूएई में डी कंपनी का अरबों रुपया, मिहास इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, फॉर्मोसा ट्रेडिंग, सोजिट्स इंटरनेशनल, ईटीए स्टार अल्मनारा टावर, मिडवेस्ट होटल में लगा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डी कंपनी का सारा कारोबार हवाला के जरिए चलता है। भारत भी समझता है कि अगर डॉन की कमर तोड़नी है तो पहले उसकी दुबई की नस दबानी होगी, यानी उसके काले धंधे पर शिकंजा कसना होगा। और ये समझौता उसी दिशा में अहम कड़ी है। इस समझौते के तहत यूएई की सरकार दाऊद के कारोबार पर रोक लगाएगी, उसकी संपत्तियों को सील करेगी, दाऊद की सप्लाई लाइन कट जाएगी। दुबई में डी कंपनी 3 तरह के धंधों में शामिल है, आर्म्स, ड्रग ट्रेड और रियल एस्टेट। दाऊद ने रियल एस्टेट की कमाई का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दुबई में कर रखा है और रियल एस्टेट से ही उसके काले कारोबार का अच्छा खासा साम्राज्य ऑपरेट होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के साथ जो समझौता किया है, उसमें यूएई सरकार को दाऊद समेत 39 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट सौंपी गई है, जो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देकर यूएई जाकर छिप जाते हैं।
इनमें दाऊद के अलावा मुंबई हमलों का मुख्य गुनहगार टाइगर मेमन, दाऊद का राइट हैंड छोटा शकील, कश्मीरी आतंकवादी सैयद सलाउद्दीन, आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, आतंकी अबू हमजा और सलीम अहमद गाजी जैसे कुख्यात आतंकी शामिल हैं। यूएई ने भारत को भरोसा दिलाया है कि दाऊद इब्राहिम के साथ साथ इन 40 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पकड़ने में वो भारत की मदद करेगा। इन आतंकियों के बारे में उसे जो भी सूचना मिलेगी उसे वो भारत के साथ साझा करेगा और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने देगा। अभिषेक उपाध्याय, इंडिया टीवी, दिल्ली। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कराची टू मुंबई कनेक्शन अब किसी से छिपा नहीं। इसका खुलासा उस वक्त भी हुआ था जब दाऊद और दुबई में बैठे उसके गुर्गे के बीच फोन पर बातचीत इंटरसेप्ट हुई थी। इस बातचीत में दाऊद रियल एस्टेट को लेकर मोलभाव कर रहा था। दाऊद के इसी काले कारोबार पर प्रवर्तन निदेशालय की भी लगातार नजर बनी हुई है। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी और 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट का सबसे बड़ा गुनहगार दाऊद इब्राहिम, दाऊद के अरबों के काले साम्राज्य पर उस वक्त शिकंजा कसना शुरू हो गया था जब मोदी सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को डी गैंग और उसके साथियों की सभी प्रॉपर्टी के जांच के आदेश दिए और इसके लिए ईडी को विदेशी जांच एजेंसियों से भी सहयोग लेने की खुली छूट दे दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इंग्लैंड, साइप्रस, स्पेन और मोरक्को की जांच एजेंसियों से आधिकारिक तौर पर संपर्क किया। माना जा रहा है कि मुंबई से इंग्लैंड, साइप्रस, स्पेन और मोरक्को के बैंक में दाऊद के गुर्गों ने पैसे जमा किए और प्रवर्तन निदेशालय की इसी कोशिश का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की एजेंसियों के पास डी कंपनी के बैंक और प्रॉपर्टी से जुड़ा काला चिट्ठा मौजूद है। दाऊद ने अपनी काली कमाई के सबसे ज्यादा निवेश दुबई में किए हैं और वो भी रियल एस्टेट सेक्टर में। रियल इस्टेट के अलावा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं। दुबई में जो शेख जायद रोड है, जो अगर आप डी टेप सुने उसमें काफ़ी था कि काफ़ी बड़ी बड़ी डीलिंग की वो बात कर रहे थे अपने एसोसिएट से उन टेप्स में भी। तो जाहिर बात है कि इस तरह के जो पॉश एरिया में उसमें अगर प्रॉपर्टी हैं और ये भी हो सकता है कि लंदन में जैसे है उसकी तो सभी तरफ फैली हुई। खैर जमीन तो बॉम्बे है लेकिन हर तरफ फैली हुई सकती है क्योंकि जहाँ जिस तरह से ज़मीन के भाव बढ़ रहे हैं सबसे ज़्यादा तो इनका ख्याल है जो सोने से ज़्यादा ज़मीन में है, तो ज़मीन में तो ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसको जो अगर शिकंजा कसना है इस पर तो किसी को भी बख्शना नहीं चाहिए, हर किसी पे कार्रवाई होनी चाहिए, तभी इसका अंजाम हमें नजर आएगा। दुबई में डी कंपनी के काले साम्राज्य पर उस वक्त खुद दाऊद इब्राहिम ने मोहर लगा दी थी जब पिछले साल एक वेबसाइट ने एक ऑडियो टेप जारी किया था। इस ऑडियो टेप में कराची में बैठा दाऊद फोन पर दुबई में बैठे गुर्गे से बात कर रहा था।